और भी नई वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही लगे इस बेल आइकन को ही दबा दें ताकि हमारी नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अकरम मॉडिफिकेशंस। तो फ्रेंड, आज की वीडियो टॉपिक हमारे टेल के ऊपर होने वाला है। ये मैंने नई ली थी और इसके अंदर काफ़ी आवाज़ आ रही है नई लगाने के बाद, तो इसके अंदर वाइब्रेशन प्रॉब्लम भी है और ये खटखट की आवाज़ भी कर रही है। तो इसके अंदर जो प्रॉब्लम है वो मैं आपको सुना देता हूँ एक बार, तो सुनिए आप प्रॉब्लम क्या इसके अंदर। तो फ्रेंड, आवाज़ तो आपने सुनी ली होगी कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। उसके अंदर यही प्रॉब्लम है और भी काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे पहले हमने कुछ इसके पार्ट खोलने होंगे और पार्ट खोलने के लिए सबसे पहले हम खोलेंगे सीट को, क्योंकि सीट के नीचे ही काफ़ी सारे नट होते हैं, हो सकता है कि कोई नट खुल के गिर गया हो। तो सबसे पहले आपने साइड पैनल खोल लेना है दोनों को। तो इस साइड वाला आप खोल लेंगे की के साथ में और दूसरे वाला भी आप की के साथ में ही खुलेगा आपका। तो सबसे पहले हमने यही खोलना है और उसके बाद सीट को रिमूव करना है। तो चलिए मैं सबसे पहले साइड पैनल को खोल लेता हूँ। तो उनको उतारने के बाद हमने सीट को रिमूव करना। सीट को रिमूव करने के लिए दो नट दिए होते हैं साइडों में 10 नंबर के, उनको भी मैंने खोल लिया है। तो सीट को करते हैं हम रिमूव और सीट के नीचे देखते हैं कि कहीं नट हमारा खोल के गिर तो नहीं गया नीचे की तरफ। तो चलिए हम एक बार सीट को साइड करते हैं थोड़ा। तो सीट को साइड करने के बाद हम देखते हैं कि काफ़ी सारे नट हैं। तो हमने सबसे पहले इन नटों को ही चेक करना है कि कोई नट खुला तो नहीं रह गया है, यानी कोई खुल तो नहीं गया अपने आप। हो सकता है कि कई बार बाइक वाइब्रेशन करता है या हम ढंग से टाइट नहीं करते तो नट हमारे खुल सकते हैं। तो सबसे पहले हमने इनको ही चेक करना है। तो हर एक नट को मैं चेक कर लूँगा और ये नट अच्छे से टाइट होने चाहिए आपके। तो ये देखते हैं ये वाला भी, और जहाँ तक मेरे को लगता है फ्रेंड कि सभी नट टाइट हैं अच्छे से और इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। जो दिक्कत आ रही है हमारी वो टेल के अंदर आ रही है कि टेल के साथ जो लाइट है पीछे वाली वो शायद उसको टच कर रही होगी, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। तो इसे भी मैंने साइड कर लेता हूँ मैं इसको भी, एक मिनट रुके आप। तो देख सकते हैं नीचे भी कोई नट वगैरह नहीं गिरा हुआ हमारा। तो उसके बाद आपने देखना है कि यहाँ पे गैप है कि नहीं। तो ये देखिए, ये इसके साथ अटैच है थोड़ा और इसमें मामूली सा गैप होना चाहिए फ्रेंड, लेकिन ये बिल्कुल अटैच है। तो इसकी सही से सेटिंग नहीं आई है। तो सेटिंग करने के लिए आपको करना क्या है कि वो मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या लगेगा। तो फ्रेंड, सबसे पहले अपने को नट चाहिए, ये वाइट कलर के हैं। आप ब्लैक यूज़ करें क्योंकि आपकी टेल जो है ब्लैक है। तो मेरे पास ब्लैक नहीं है तो इसीलिए मैं वाइट यूज़ कर रहा हूँ। तो आप ब्लैक यूज़ करें, आपको किसी भी स्पेयर पार्ट की शॉप से मिल जाएंगे। तो उसके बाद अपने को चाहिए एक स्क्रू ड्राइवर, तो हमें एक स्क्रू ड्राइवर चाहिए अपने को। और उसके बाद अपने को चाहिए एक कटर, जो कि जो डबल साइड टेप है वो काटने का काम आएगा, और एक चाहिए डबल साइड टेप। तो मैं ये पूरी ले आया हूँ, आप चाहें तो थोड़ी सी भी यूज़ कर सकते हैं। और तो चलिए, आपको ये लगाने कैसे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, तरीका क्या है इसको लगाने का कि आपकी टेल वाइब्रेशन ना करे। तो फ्रेंड, सबसे पहले अपने वो जो मैंने आपको बताया था जगह, जो मैंने आपको बताई थी, वहाँ अपने नट को टाइट करना है अच्छे से। तो दोनों का आपने बराबर टाइट करना है ताकि टेल के अंदर जो ऊपर लाइट के साथ गैप हो वो पूरा बराबर हो। तो उसके बाद हम सेकंड नट लगा लेते हैं। तो पहले मैंने नटों को अच्छे से लगा लिया था, उसके बाद मैं दोबारा लगा रहा हूँ। आप भी एक बार अच्छे से लगा के कंफर्म कर लीजिएगा, फिर आप लगाइएगा अच्छे से, ताकि गैप जो लाइट में वो बराबर ही रहे, ऊपर नीचे ना हो। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने दोनों नटों को अच्छे से लगा लिया बिल्कुल। और उसके बाद देख सकते हैं कि ये गैप आपका बिल्कुल बराबर होना चाहिए, ऊपर नीचे ना हो। और इसके मैं नीचे पुश कर रहा हूँ तो ये देखिए नहीं हो रहा बिल्कुल भी, और ये बिल्कुल भी नीचे की तरफ नहीं दब रहा है। तो ये देखिए, साइड वाला नट भी मैंने लगा लिया है। तो देखिए, मैं इसको थोड़ा थपथपाता हूँ तो बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है, बिल्कुल भी नहीं हिलेगा। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आपकी टेल बिल्कुल भी साउंड नहीं करेगी अगर आप ये ट्रिक यूज़ करते हैं। तो ये देखिए, ये जो गैप है बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए। और उसके बाद मैंने डबल साइड टेप भी लगा लिया, तो आप देख सकते हैं, ताकि कोई सेकेंड ऑप्शन ना हो टेल वाइब्रेशन का। तो आप देख सकते हैं, मैंने अच्छे से दोनों नटों को टाइट कर दिया और ऊपर की तरफ मैंने लगाई डबल साइड टेप। तो आप भी ये ट्रिक फॉलो कीजिए, काम करती है बिल्कुल 100% करेगी अगर आप यूज़ करते हैं अच्छे से। तो फ्रेंड, अपना जो जितना भी काम था वो कंप्लीट हो चुका है। और उसके बाद आपने बाइक के जितने भी पार्ट खोले थे वो आपने अच्छे से दोबारा से फिट कर देने हैं। आई होप आपकी वाइब्रेशन प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो चुकी होगी।
तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आपकी प्रॉब्लम का सलूशन हुआ नहीं हुआ वो वीडियो में ज़रूर बताइएगा। और तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।